डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे नए गधे को? ये तेरा गधा तो मर चुका है। मर चुका है? ये गधा कल ही मैंने 5,000 रुपए का खरीदा था। बॉस, ये जो बीमार गधा तूने इसको बेचा था वो तो मर गया। इधर आ। मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मरा हुआ गधा वापस करके पैसे लेने जरूर आएगा। तू टेंशन मत ले, अब हम इस मरे हुए गधे से भी 1,000 रुपए कमाएंगे। वो कैसे? वो तूने मिसाल नहीं सुनी? हाथी जिंदा 1,00,000 का तो मरा हुआ 1,25,00,000 का। उसने तुझे चूना लगाया 5,000 का। ये गधा बीमार था, ये तो अब मर चुका है। मैं उस कमीने से ये गधा भी उठवाऊंगा और अपने पूरे पैसे भी वापस लूंगा। बॉस सुना तुमने, अब इसको कहां से पैसे वापस करेंगे? तू टेंशन ना ले, इसके पैसे भी दे देंगे। अब वक्त आ गया है इस मरे हुए गधे से पैसे कमाने का। चल अभी उस कमीने को ढूंढ के लाता हूँ, मुझे बीमार गधा भेज दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। तूने कहा था गधा सेहतमंद और भी हैप्पी है, ये देखो ये तो दूसरे दिन ही ठुस हो गया है। Oh no! मौत तो एक दिन मुआयन है हजूर। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। गधा तो मरना था मर गया, अब आपस में लड़ते रहना, हमारे पैसे तो हम तो जाएं। ये लो डॉक्टर साहब अपनी फीस 500 रुपया। तो मैं कह रहा था कि अपना ये गधा उठाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैं बस इस गधे से पैसे कमा लूं। तो भला मरे हुए गधे से भी कोई पैसे कमाता है? मैं कमाऊंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ड्रामा शुरू करते हैं। ₹2,000 में गधा, पर्ची डालता हूँ मैं। 2,000 में गधा? मैं भी पर्ची डाल लेता हूँ, शायद मेरा गधा निकल आए। रेड़ी लेके फिर गधा रेड़ी चलाऊंगा। ₹2,000 में गधा, आज मैं भी अपनी किस्मत अजमाता हूँ, हो सकता है मेरा निकल आए। आइए आइए मेहरबान कदरदान, आप सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। हो सकता है आपकी किस्मत में गधा लिखा हो। ₹2,000 में पर्ची डालिए, सिर्फ ₹2,000 में पर्ची डालो। अगर तुम्हारा गधा निकल गया तो समझो किस्मत खुल गई। ये लो पकड़ो 2,000, मेरी पर्ची डालो, मुझे गधे की जरूरत है। अरे मिठू, इन सबको भी गधे की जरूरत है। गधा सिर्फ नाम से गधा होता है, काम का शेर होता है। शेर नाम बताओ। गामा। मेरी मेरी पर्ची लिखो पहले। मेरी पर्ची लिखो। मेरी मेरी। तो नाजरीन, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई, देखते हैं तुम सब गधों में से किसका गधा निकलता है। मेरा मतलब है जिसकी किस्मत में गधा होगा उसी का निकलेगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। एक मिनट, गधा तो तुमने हमें दिखाया ही नहीं है। तो जाके शीशा देख लो ना। मेरा मतलब है कि गधा पीछे घास खा रहा है, जिसको निकलेगा उसको दे दूंगा। मैं पर्ची उठाता हूँ। अपने अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, गधा निकलने वाला है। इस पर्ची पे जिस खुश नसीब का नाम है वो है गामा। यस, मेरा गधा निकल आया। तो भाइयों, ये गधा गामे के नाम पे जाता है, आप सब लोग जा सकते हो। चल गामे, तुझे फिर गधा देता हूँ। ये लो जी तुम्हारा गधा, मुबारक हो बहुत बहुत। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये गधा तो मरा हुआ है। मरा हुआ है? कैसे मर गया? कुरानदाजी से पहले मर गया ये तो। अब मेरे पैसों का क्या होगा? भाई तेरे पैसे मैं वापस कर दूंगा, प्लीज किसी को बताना बस, मेरी बेइज्जती होगी। बिल्कुल ठीक ठाक था, हार्ट अटैक आया होगा इस बेचारे को। मैं तेरे पैसे वापस करता हूँ, ये ले अपना 2,000। ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए। वाह यार, क्या दिमाग लड़ाया तूने। मेरा 5,000,